नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। नवनीत कालरा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। नवनीत कालरा के 3 अलग अलग रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए थे और अब नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। दिल्ली का बड़ा कारोबारी है नवनीत कालरा, खान चाचा रेस्टोरेंट भी उसी का था जिसमें 86 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे, जिसके बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, फिर नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया गया और अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मामले में। दिल्ली से ये बड़ी खबर, नवनीत कालरा के 3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए थे, जिसके बाद नवनीत कालरा की तलाश जारी थी, वो फरार भी रहा लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है? अंकित का रुख करेंगे लेकिन इस बीच आपको ये बड़ा अपडेट एक बार फिर से बता दें, दिल्ली का बड़ा कारोबारी है नवनीत कालरा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होर्डिंग मामले में उसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने, 3 अलग अलग रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे और अब उसे जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1 लाख के निजी मुचलके पर नवनीत कालरा को जमानत दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। नवनीत कालरा ने अपने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भर रखे थे और लोगों को मनमाने दाम पर बेच रहा था। अंकित जुड़ गए। अंकित, ताज़ा पूरी जानकारी क्या है? आदेश, नवनीत कालरा को दिल्ली के साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है और नवनीत कालरा के वकील की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहा था, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो खराब क्वालिटी के थे, वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश भर में हजारों की संख्या में आ रहे थे, तो अगर वो खराब क्वालिटी के थे तो उनकी जो है आयात करने पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। दूसरा जो नवनीत कालरा के वकील की दलील ये थी कि अगर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खराब क्वालिटी के थे, जैसा कि दिल्ली पुलिस के वकील दावा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की दलील है, तो फिर इन कंसंट्रेटर को जो जब्त करने के बाद में अलग अलग जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां किस आधार पर दिया गया, तो इस तरीके की कई सारी दलीलें दी गई हैं और ये भी कहा गया कि जमाखोरी नहीं कर रहा था, वो एक व्यापारी है और व्यापार कर रहा था क्योंकि इसका कोई एमआरपी यानी कि अधिकतम मूल्य तय नहीं किया गया था सरकार की तरफ से। तो इस तरीके की कई दलीलों के बाद में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अब से कुछ मिनटों पहले ही नवनीत कालरा को खान मार्केट में जमाखोरी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी मामले में जमानत दे दी है 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर। जी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।